हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू डिजिटल गुरुकुल। और देखिए, अभी भी काफ़ी लोग जो है मुझे मेल करते रहते हैं कि सर आंसर कहाँ पे भेजिए। जहाँ पे आप मेल कर रहे हैं वहीं पे आप आंसर भेज दीजिए, ठीक है। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप का इशू आ रहा है, ठीक है, आज तो मेरे पास मेल आया कि सर जो है कहाँ पे जो है आंसर भेजना है, तो मेल आईडी पे ही भेज दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी भेज सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए, मैं श्रीराम आईएएस का जो है काफ़ी लोगों को इशू था, तो मैं श्रीराम आईएएस के इकोनॉमिक्स के भी बहुत अच्छे से नोट्स बनाने वाला हूँ। नोट्स यानी कि आपको समझाना ही है, वो नोट्स ही हैं, ठीक है। वीडियो बनेगी और जो है पूरा हाईलाइट करके बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा। आप प्यार से सुनेंगे ना तो आपको सारी इकोनॉमिक्स समझ आ जाएगी। कुछ भी इकोनॉमिक्स कुछ नहीं, सब कुछ डिमांड सप्लाई और कॉन्सेप्ट्स पे बेसिस है, ठीक है। बहुत कॉन्सेप्ट बेसिस है, हर चीज़ डिमांड सप्लाई से जो आप समझ सकते हैं। मैं आपको समझाने के तरीका जो है समझाऊंगा, तरीका यानी कि कैसे आपको चीज़ें समझनी है, ठीक है। चलिए, कल जो क्वेश्चन आपको लिख के भेजने हैं, देखिए क्वेश्चन पेपर टू से है, ये इंडियन डायस्पोरा डिप्लोमेसी इज डबल एज्ड, ठीक है। इनकी इंडियन जो डायस्पोरा की जो डिप्लोमेसी है हमारी, वो डबल एज्ड है, ठीक है। इसका मतलब डबल एज्ड मतलब क्या होता है कि दोनों साइड से कहीं ना कहीं खतरा है। अगर इधर से जो है दोनों साइड से कहीं खतरा भी है और पॉजिटिव भी है, तो आप किस तरह इसको देखते हैं क्वेश्चन को, वो आपका लिखने का तरीके से समझ आएगा। क्रिटिकली एग्जामिन करना है, यानी कि इस स्टेटमेंट को कहीं ना कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों में बताना है, लेकिन पॉजिटिव ज़्यादा बताना है, ठीक है। यानी कि डायस्पोरा हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे है, जो हमारी डायस्पोरा वाली डिप्लोमेसी जो है, अभी आपने देखा होगा मोदी जी कहीं भी बाहर जाते हैं तो इंडियन डायस्पोरा से बिल्कुल जरूर बात करते हैं, ठीक है। अमेरिका में चाहे गए या कहीं भी बड़ी बड़ी सिटीज में कंट्रीज में जाते हैं तो इंडियन डायस्पोरा से कनेक्ट करते हैं वो, ठीक है। और कोशिश करते हैं कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में आए, इंडिया के लोगों का इंडिया के लोग ही बेनिफिट पहुंचाए, ठीक है। जो बाहर गए उनके पास पैसे भी है, इन्वेस्ट भी कर सकते हो, वो इंडिया में आके इन्वेस्ट करेंगे तो उनका तो फायदा होगा ही, लेकिन हमारे देश का भी फायदा होगा, ठीक है। तो ये डिप्लोमेसी के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए इसको। डार्क नेट से रिगार्डिंग है। देखिए, डार्क नेट ऐसी चीज है जहां पे आप अगर अभी जो है एक्सप्लोजिव भी मंगाना चाहेंगे ना तो वो भी आपके घर पे आ सकता है। डार्क नेट ऐसी चीज है और इसकी इन्फॉर्मेशन जो है बिल्कुल जो है अनोनोमस टाइप होता है, गवर्नमेंट को भी इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं रहती, बहुत ही सीक्रेसी से ये चलता है। सीक्रेसी यानी कि कोई भी उसमें जो है कोई भी चीज डिमांड भी कर सकता है, कोई भी चीज अपनी रख भी सकता है, यानी कि गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं है। तो क्वेश्चन ये, व्हाट इज डार्क नेट? ये कहते हैं आर्क, डार्क वेब एंड डीप वेब इज वन एंड द सेम। तो आपको जो डार्क वेब है और डीप वेब है, क्या ये दोनों ही एक चीज है, ठीक है। डिस्कस इन द डिटेल एसोसिएटेड कंसर्न विद द सेम। तो ये आपको बताना है कि इसके क्या डिटेल बताना है, कंसर्न क्या है, यह भी बताना है, ठीक है। एक ही आंसर डिस्कस करेंगे हम, एक ही मॉडल आंसर डिस्कस करेंगे, दूसरा वाला जो है प्रिपेयर करने का टाइम ज़्यादा मिल नहीं पाया मुझे, तो उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। जुडिशियल एक्टिविज्म जुडिशियल रिव्यू से रिगार्डिंग है, काफ़ी इजी है, काफ़ी लोगों के मैं आंसर डिस्कस भी करूंगा तो शायद उसमें आपको बहुत कुछ चीज़ें पता चल जाएगी। एक क्वेश्चन में मैंने पूछा था, गवर्नमेंट हैज हाइक्ड इथेनॉल प्रोक्योरमेंट प्राइस फॉर ब्लेंडिंग विद पेट्रोल, यानी कि पेट्रोल के साथ ब्लेंडिंग करने के लिए, ठीक है, इथेनॉल की, किसके ब्लेंडिंग कर रहे हैं, इथेनॉल प्लस पेट्रोल, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने जो है हाइक कर दिया है। और कहते हैं अलाउ कन्वर्जन ऑफ ओल्ड शुगर इनटू इथेनॉल, तो ओल्ड शुगर को इथेनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस मूव से कैसे जो शुगर केन ग्रोवर से उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी, तो ये क्वेश्चन था। देखिए, थोड़ा सा फैक्ट के बारे में जान लीजिए। कहते हैं गवर्नमेंट अप्रूव्ड एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इथेनॉल टू बी प्रोक्योर्ड बाय द पब्लिक सेक्टर मार्केट मार्केटिंग कंपनीज ओएमसी जो होती है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, फ्रॉम शुगर मिल्स फॉर ब्लेंडिंग विद द पेट्रोल। यानी कि गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया कि प्राइस बढ़ा दिया जाए, ठीक है, इथेनॉल के जो प्रोक्योर करते हैं किससे, इनकी जो शुगर वगैरह जो है शुगर मिल से बनाते हैं, शुगर मिल से, देखिए शुगर जो है उससे इथेनॉल निकाला जाता है और वो इथेनॉल पेट्रोल के साथ आप मिलाएंगे तो पेट्रोल की जो है कीमत कहीं ना कहीं, एक तो देखिए फायदा क्या होगा, पेट्रोल हम आपको पता है कि 80% हमारा जो ऑयल की डिमांड है वो बाहर से पूरी होती है, 80 से भी ज़्यादा। तो अगर हम यहाँ पे अगर इंडिया के अंदर ही इस तरह जो इथेनॉल वगैरह मिलाने लग जाएंगे पेट्रोल में, तो हमारे यहाँ शुगर केन ग्रोअर को तो फायदा होगा ही, क्योंकि शुगर केन जो ग्रोवर है उनको पूरा पैसा नहीं मिलता है, बहुत बार तो डिले हो जाता है, तो बहुत बार कंपनियां बंद हो जाती, बहुत से इश्यूज रहते हैं। तो अगर इथेनॉल का प्राइस जो है कहीं ना कहीं, यानी कि इथेनॉल के प्राइस से अगर वो चीज डिपेंडेंट हो रही है, तो उससे जो है शुगर केन ग्रोवर को फायदा होगा, कंपनीज को फायदा होगा, बाहर से हमारे जो हमें जो हमारा एक तरह से डॉलर जो हमने कमाया है वो हमें पेट्रोल में यूज करना पड़ता है, वो भी हमारा उसमें भी जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है उसमें भी कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा, ठीक है। आप देखिए, कहते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर हैज अलाउड कन्वर्जन ऑफ ओल्ड शुगर इनटू इथेनॉल। ये मैंने बता दिया, जो कैबिनेट कमेटी इसने अप्रूव कर दिया कि ओल्ड शुगर जो है वो इथेनॉल में मिक्स की जाए। आप कहते हैं व्हाट इज इथेनॉल, हाउ डू मिल्स प्रोड्यूस इट,
यहाँ पे बताते हैं इथेनॉल इज बेसिकली एल्कोहल, इथेनॉल एक तरह से एल्कोहल है ऑफ 99% प्योरिटी, 99% प्लस प्योरिटी, विच कैन बी यूज फॉर ब्लेंडिंग विद पेट्रोल। यानी कि इथेनॉल एक तरह से जो है एल्कोहल ही है, 99% प्योरिटी भी, और ये पेट्रोल के साथ ब्लेंडिंग कर सकते हैं और इसको व्हीकल्स में यूज किया जा सकता है, यानी कि उनकी परफॉर्मेंस में कोई असर नहीं आता। ये कहते हैं फॉर वन टन ऑफ केन मील कैन प्रोड्यूस, यानी कि एक टन जो है अगर जो सूखा हुआ जो, या फिर बोल सकते केन मतलब सूखा तो नहीं, यानी कि जो गन्ना होता है, ठीक है, गन्ने जो होते हैं उससे 100, ये कहते हैं कि इतने की बात करें प्रोड्यूस 150 केजी ऑफ शुगर, यानी कि एक टन से, ठीक है, एक टन जो है गन्ने से 115 केजी शुगर निकाली जा सकती है, यानी कि एट 11% रिकवरी एंड 45% ऑफ मोलेस। तो जो बचा हुआ जो उसका, आपने देखा होगा जब गन्ने का जूस भी पीते तो जो बचा हुआ बचता है तो उसको मोलेस बोलते हैं, तो 45 किलो ये भी निकलता है, गिव्स ये इतना परसेंट जो है, इससे हमें इतना लीटर जो है इथेनॉल मिल जाता है मोलेस से, ठीक है। तो ये यानी कि मोलेस को भी यूज किया जा सकता है। बट ये कहते हैं बट रादर देन प्रोड्यूसिंग शुगर मील्स कैन ऑल्सो फर्मेंट द एंटायर केन। अब सिर्फ ऐसा नहीं, मोलेस से तो क्या हुआ, एक टन से, एक टन में सिर्फ आपको 115 केजी जो है शुगर मिली और 45 केजी जो मोलेस वगैरह था उससे आपको सिर्फ 45 केजी मोलेस से आपको सिर्फ 10 लीटर का इथेनॉल मिला, ठीक है, इतना ही। लेकिन अगर जो पूरा गन्ना ही होता है, गन्ने का जो होता है उसको अगर फर्मेंटेशन किया जाए तो उससे करीबन कह रहे हैं 84 लीटर तक इथेनॉल बनाया जा सकता है, लेकिन जीरो शुगर नहीं बनेगी उसमें, ठीक है। तो ये जो है इथेनॉल कैसे बनाई जाती है मैंने बता दिया, कैसे मील्स प्रोड्यूस करती है, दो तरीके होते हैं, एक तो मोलेस जो बचा हुआ चीज है जिसमें नहीं निकला, और दूसरा डायरेक्ट गन्ने से ही कर सकती है। ये कहते हैं हाउ इज यूजिंग इथेनॉल बिकम सॉल्यूशन, कैसे फायदा होगा, ये कहते हैं मील्स टू प्रोड्यूस इथेनॉल फ्रॉम मोलेस एंड डायरेक्टली फ्रॉम शुगर केन, मील्स ये बनाएंगी उस यूज ऑफ शुगर एंड शुगर सिर्फ फॉर प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। अब ये शुगर जो बनेगी, शुगर सिर्फ बनेगा, इससे इथेनॉल बनाई जा सकती है, एक्स फैक्ट्री प्राइस ऑफ शुगर आर रूलिंग है, अब शुगर से इतना प्राइस आ रहा है, बट इफ मिल आर एबल टू कन्वर्ट मोर केन शुगर फ्रॉम इथेनॉल फॉर इथेनॉल इट वुड मीन प्रोड्यूसिंग लेस शुगर, तो लेस प्रोड्यूस शुगर कम प्रोड्यूस करेगी, सिंस द कंट्री इज प्रोड्यूसिंग टू मच शुगर इट इज इंपोर्टिंग ऑयल, तो हमारे यहां क्या हो रहा है शुगर तो बहुत ज्यादा है और ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे, तो बेटर है कि जो है शुगर कम प्रोड्यूस करे, ठीक है, तो शुगर का प्राइस थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा लेकिन ऑयल जो हम बाहर से करते हैं वो हमें प्रोड्यूस नहीं करना पड़ेगा, तो इससे जो है बेनिफिट होगा, दोनों मील को भी बेनिफिट होगा और कंट्री का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें भी कहीं ना कहीं फायदा होगा, क्योंकि अभी हमें ज्यादातर ऑयल बाहर से मंगाना पड़ता है। तो ऐसे करके बेसिक जो है चीजें आप समझा सकते, ये बेसिक मैंने समझाया होता कैसे, ठीक है, हो सकता है प्रीलिम में भी कुछ क्वेश्चन घुमा के आ जाए। अब ये किसी ने क्वेश्चन भेजा, शायद प्रकाश ने भेजा, लेकिन देखिए बहुत ज़्यादा आपने इतना बिल्कुल क्लियर नहीं आई पिक्चर, ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी कहा था कैम स्कैनर से पिक्चर लीजिए, पता नहीं आपने कैसे लिए, क्लैरिटी नहीं आ रही है थोड़ा सा, देखिए अभी पढ़ने में मुझे बहुत दिक्कत होगी। क्वेश्चन क्या था, ये था डिस्टिंग्विश बिटवीन जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया। ये कहते हैं इन योर ओपिनियन डू यू थिंक इट इज एवर पॉसिबल फॉर द इंडियन जुडिशियरी टू पार्टेक मोर ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है, आंसर क्या लिखते हैं, लिखते हैं जुडिशियरी इज एन इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ स्टेट एंड प्लेइंग ए सिग्निफिकेंट रोल इन अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल्स एंड आइडियल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल ठीक है, इट हैज बीन मेंटेनिंग एंड प्रिजर्विंग एंड स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेसी थ्रू इट्स इंडिपेंडेंट फंक्शन, बिल्कुल ठीक है, एंड वेरियस टूल्स लाइक जुडिशियल रिव्यू। देखिए ये होता है, आपने यहाँ लिखा और आप आखिरी में खत्म करते उसी चीज पे आगे जो डिमांड है, यानी कि आप डिमांड के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अब ये कहते हैं व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू क्या कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू इज एन एक्सप्लिसिट पावर गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू द जुडिशियरी टू कीप चेक ऑन लेजिस्लेटिव इनएक्टमेंट। देखिए कोई भी एक्ट बनाया जाता है अगर वो संविधान के अगेंस्ट है तो उस एक्ट को जो है नल एंड वॉइड भी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, तो ये यही पावर जो है, या फिर लेजिस्लेचर को और जो, जो हमारी एग्जीक्यूटिव है उसको जो है एक तरह से चेक रखना उसके ऊपर कि वो कहीं ना कहीं अपनी पावर को ज्यादा तो यूज नहीं कर रही है, इसी को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। ये कहते हैं वेदर दीज वायलेट या कोई फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं, कोई भी ऐसा लॉ है। अब ये कहते हैं एक्सप्लिसिटली, देखिए ये पावर दी गई है आर्टिकल 13 में, 32 में, आर्टिकल 226, 226 किसके लिए, हाई कोर्ट के लिए, 32 किसके लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए, 13 किसके लिए, दोनों के लिए, ठीक है। ये कहते हैं एग्जांपल क्या है, वर्डिक्ट
ओन आधार, आधार कार्ड पे जैसे वर्डिक्ट दिया था, ठीक है, आधार कार्ड को गवर्नमेंट ने क्या किया, मनी बिल की तरह पास करा दिया ताकि वो राज्यसभा में ना जा पाए, और उसको जो है पास कराने के बाद उसमें बोल दिया ये चीज मैंडेटरी है। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए जो फिक्स चीजें हैं पैन कार्ड से जो है कनेक्ट करना है या इनकम टैक्स से रिगार्डिंग, तभी आप जो है मेजर मेजर चीज में ही आधार कार्ड मांग सकते हैं। हर जगह जो स्कूल में अलाउ फिक्स कर दिया था स्कूल के लिए रिक्वायर्ड है, या और भी जो है चीज मोबाइल फोन के लिए आधार की रिक्वायरमेंट बढ़ा दी थी कनेक्शन की, तो वो सब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो इस तरह बोल सकते हैं, इस तरह जो है ये चीजें सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू का यूज कर सकता है। अब जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, ये कहते हैं इट इज सो मोटो प्रोएक्टिव स्टेप्स टेकन बाय द जुडिशरी, यानी कि खुद से ही जो स्टेप देती है जुडिशरी कोई भी चीज के लिए, कोई भी इलीगल या कोई भी उनको चीज लगे कि वो चीज ठीक नहीं है, टू फिल द गैप विच इज अनफिल्ड बाय लेजिस्लेशन। दो बहुत से एक्ट देखिए रिक्वायर्ड होता है, अब दिल्ली में इतना बुरा हाल है पोल्यूशन से, लेकिन फिर भी ऐसा कोई लॉ लेके नहीं आ रही गवर्नमेंट, तो हो सकता है कल को सुप्रीम कोर्ट ही कोई लॉ डायरेक्टली नहीं, कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस या एडवाइस दे दे, इंस्ट्रक्शंस या एडवाइस दे दिया, तो वो भी कहीं ना कहीं जुडिशियल एक्टिविज्म होगा, क्योंकि जो है ये लॉ बनाना या फिर कोई भी काम करना ये किसके हाथ में है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी सिर्फ ये देखती है कि अकॉर्डिंग टू लॉ के अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन ऑन पॉल्यूशन, और पहले भी देखिए क्लाइमेट चेंज, इस तरह के डायरेक्टिव्स दिए भी हैं दिल्ली के अंदर, बहुत से डायरेक्टिव्स पहले भी दिए हैं पॉल्यूशन से रिगार्डिंग, तो वो कहीं ना कहीं जुडिशियल एक्टिविज्म को दिखाता है, ठीक है। और भी जो है रिवर से रिगार्डिंग या प्लास्टिक बैन से रिगार्डिंग उत्तराखंड के अंदर हाई कोर्ट ने जो है इस तरह के जजमेंट लिए हैं, जो कि कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि ये जो है जुडिशियल एक्टिविज्म, यानी कि अपनी पावर से आप बाहर निकल के थोड़ा बहुत काम करें, एक्टिव हो जाए, ज्यादा ही प्रोएक्टिव हो जाए, उसको बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। ये कहते हैं नाउ द क्वेश्चन अराइज व्हाट इज डिफरेंस, अब क्वेश्चन ये है कि क्या डिफरेंस है इंडिया के अंदर, ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। कहते हैं जुडिशियल रिव्यू हैज कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग, जुडिशियल एक्टिविज्म हैज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल ठीक है। जुडिशियल रिव्यू मेक्स एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल, जुडिशियल एक्टिविज्म थ्रू ऑल्सो मेक्स एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल, बट एग्जीक्यूटिव ऑफन डज नॉट टेक इंस्टेंट एक्शन, ठीक है, ये बात ठीक है। जुडिशियल रिव्यू इज काइंड ऑफ मैंडेटरी ऑब्लिगेशन बाय द जुडिशरी टू लेजिस्लेचर, लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म ऐसा कुछ नहीं, वो डायरेक्टिव या एडवाइस देता है, ठीक है, एडवाइस नहीं डायरेक्टिव्स ही होते हैं एक तरह से। ये कहते हैं कि पॉसिबल पॉसिबिलिटी ऑफ मोर जुडिशियल, क्या ऐसा लगता है, देखिए क्वेश्चन ये पूछ रहा था जुडिशियली इंडियन जुडिशियरी टू पार्टेक मोर ऑफ जुडिशियल एक्टिविटी, तो यही कहते हैं पॉसिबिलिटी है, कैसे, क्यों, कहते कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव को रेस्पॉन्सिबल बनाना, चेंजिंग रोल जुडिशियरी का रोल चेंज होता है, पैसिव से अभी एक्टिव हो गया है, फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस टू द सिटीजन, वे फॉरवर्ड क्या है, जुडिशियरी हैज बीन गिवन वाइड पावर्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू टेक द टास्क ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, द नीड इज टू रियलाइज एंड इंप्लीमेंट दोज पावर बाय द जुडिशियरी सिंस इट बिकम इंपॉर्टेंट विद द टाइम एंड चेंजिंग डायनेमिक्स स्टेट फंक्शनरी, जुडिशियरी नीड टू प्रोएक्टिव स्टेप प्रिजर्व द प्लेयर ऑफ डेमोक्रेसी विच इज, देखिए आपको कहीं ना कहीं ये भी लिखना है, ठीक है, और चीजें आपने ठीक लिखी है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं जुडिशियल एक्टिविज्म को बताना है कि कहीं ना कहीं अपनी पावर वाइड भी नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी एक तरह से जो हमारे मेजर पिलर्स हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर जुडिशरी सबको जो है एक तरह से पावर जो उनकी डिफाइन की हुई है उसी अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ज्यादा एक्टिविज्म दिखाता है, ज्यादा एक्टिविज्म दिखाता है, तो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर का काम है वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाएगा, जो कि ठीक नहीं है एक डेमोक्रेसी के लिए, तो ज्यादा जुडिशियल एक्टिविज्म भी ठीक नहीं है, तो इस तरह ये चीज आपको थोड़ा दिखानी पड़ेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है इफ बिग मनी एंटायरली फंड इलेक्शन इन ए सीक्रेटिव वे डेमोक्रेसी वी नो इट विल नॉट एग्जिस्ट, यानी कि ये किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ये 2 साल पहले प्रपोजल लेके आई थी इलेक्टोरल बॉन्ड का, उसमें जो है आपको पूरा मैंने पढ़ाया हुआ है द हिंदू के अंदर, कैसे जो है पूरा अलाउ किया जाता है इंसान जो है आप कोई भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के पैसे दे के वो दे सकता है, फिर वो बैंक से वो पार्टी के पास चला जाएगा, यानी कि इन्फॉर्मेशन बिल्कुल अनोनमस रहेगी, ना तो किसने दिया पैसा वो भी नहीं पता चलेगा, किस पार्टी को गया वो भी नहीं पता चलेगा, तो एक सीक्रेटिव जो है तरीका ये खोजा बीजेपी ने, ठीक है। कहीं ना कहीं देखिए ये मैं इसको क्रिटिसाइज क्यों करता हूं, उसका रीजन है, देखिए अब जो रिकॉर्ड से पता चला है 95% जो पैसा गया इलेक्टोरल बॉन्ड में वो रूलिंग गवर्नमेंट को गया है। देखिए अगर आपको सबको पैसा देना है तो ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस को कोई पैसा देगा ही नहीं, ठीक है, आम आदमी कोई देगा, लोग दे रहे हैं, लेकिन
एक ही पार्टी को इतना पैसा जाना, ये बहुत ही कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए भी ठीक नहीं है और ये मल्टी पार्टी सिस्टम के लिए भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। ये कहते हैं एनालाइज एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड। ऐसी चीजें लिखनी नहीं है, मैं जस्ट आपको अपने व्यू बताएं। ये कहते हैं एक्सप्लेन द रोल ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड इन अबव स्टेटेड कंटेक्स्ट। ये कहते हैं डिबेट रिलेटिंग टू इलेक्टोरल फंडिंग इज नॉट न्यू। कहते हैं कि इलेक्टोरल फंडिंग की बात करें तो नई बात नहीं है। इट हैज बीन द पार्ट ऑफ डिस्कशन सिंस लॉन्ग। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द इलेक्टोरल फंडिंग इज डन बाय इन ए सिक्रेटिव वे। ये कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड आर वन सच वे, यानी कि एक बहुत से तरीके सिक्रेटिव वे के, लेकिन ये भी एक तरीका है। देखिए पहले शेल कंपनीज में पैसा जो है दिखा के जो है बहुत सा इलेक्शन में पैसा जाता था, वो भी एक कारण था। ये कहते हैं रिसेंटली आरबीआई ने इलेक्शन कमीशन हैड मेड ए रिजर्वेशन। देखिए इवन आरबीआई ने इलेक्शन दोनों ने ही बोला, इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उन्होंने बोला कि ये सीरियसली एक इसका इशू है। ये क्या है, रूट क्या होता है इलेक्टोरल फंडिंग का, कौन कौन करता है, बिग बिजनेसमैन, इंडिविजुअल, कॉरपोरेट्स, ठीक है। इलेक्टोरल बॉन्ड रूट टू इलेक्शन में फंडिंग कहां कहां से आती है, बिजनेसमैन करते हैं, इंडिविजुअल करते हैं, कॉरपोरेट्स करते हैं, फॉरेन फंडिंग आती है, इलेक्टोरल बॉन्ड से हो रहा है। ये कहते हैं व्हाई ट्रांसपेरेंट इलेक्टोरल फंडिंग रिक्वायर्ड, क्यों जरूरत है। देखिए इस तरह आप लिखेंगे ना बहुत अच्छा है, पता चलता है टीचर आप आगे क्या लिखने वाले हैं। ये कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, उसका लेवल प्लेइंग फील्ड रहेगा, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट विच रिप्रेजेंट द पीपल एंड नॉट फ्यू बिजनेसमैन, बिल्कुल ठीक है, वेलफेयर स्टेट हमारा कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड की ये बात करते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड जो है एक तरह से इज ए बियरर इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द सेलेक्टेड ब्रांच टू ए प्रिस्क्राइब बैंक टू मेक द डोनेशन टू पोलिटिकल पार्टी, इंडिविजुअल, ठीक है, बॉडी, कॉरपोरेट, जो भी है। प्रोज क्या है, ये कहते हैं पेमेंट ओनली थ्रू चेक्स, पहली बात है, इससे ट्रांजेक्शन पूरी रिकॉर्ड होगी, हाइड आइडेंटिटी, डोनर की आइडेंटिटी हाई होगी, हाइड हो जाएगी, यानी कि उसको हराश नहीं किया जा सकता। कैन बी परचेज ओनली थ्रू सेलेक्टिव ब्रांचेज होती हैं, उसी से आप खरीद सकते हैं। कैन बी परचेज ऑन स्पेसिफिक डे, यानी कि टाइम होता है 15 दिन में जो है उसको पूरा उससे जो है उसको देना पड़ता है जिसके लिए खरीदा है, या फिर उसको पार्टी को एनकैश करना पड़ता है। इशू क्या है, गवर्नमेंट इन द पावर में भी गेट ऑलमोस्ट ऑल द डोनेशन थ्रू, ये मैंने बताया जैसे 95% से ज़्यादा पैसा जो रूलिंग गवर्नमेंट को ही गया है। यूनियन कैन गवर्नमेंट कैन गेट द डिटेल्स ऑफ डोनर, अब यूनियन गवर्नमेंट को डिटेल भी मिल सकती है, जो कि जो है उसको जो पुलिस, सीबीआई, ईडी वगैरह की उस पर जो है रेड करा सकते हैं, या फिर उसको जो पीछे लगा सकते हैं। अर्लियर सीलिंग ऑफ 7.5% ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर 3 ईयर्स ऑफ कॉरपोरेट्स हैव बीन डन अवे। पहले देखिए ऐसा था कि इतना परसेंट प्रॉफिट ही मैक्सिमम दे सकते हैं, लेकिन अब वो भी चीज़ हटा दिए तो इससे ज़्यादा पार्टी के पास पैसा जाएगा और ज़्यादा इलीगल काम भी हो सकते हैं। फॉरेन फंडिंग हैज़ बीन अलाउड थ्रू एन अमेंडमेंट फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, इसके थ्रू भी किया, दिस में मैनिपुलेट द गवर्नमेंट फंक्शनरी। आप कह रहे हैं सजेशंस क्या क्या है, स्टेट फंडिंग होनी चाहिए, ये बहुत डिबेट में रहता है, सीलिंग होनी चाहिए इलेक्शन की जो अभी भी है, अगर उसको वायलेट करते हैं तो उसको पेनल्टीज होनी चाहिए, जो है ब्रिंग ये आरटीए के अंडर आना चाहिए ताकि पता चले कितना पैसा आ रहा है। डिस्कार्ड इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम सजेस्टेड बाय वेरियस एक्सपर्ट। देखिए आप डिस्कार्ड नहीं कह सकते, यहाँ पे आप ये कहिए कि मेक जो है प्रॉपर अमेंडमेंट्स, ठीक है, इस तरह के अमेंडमेंट किए। डिस्कार्ड का मतलब तो आपने बता दिया पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड गलत है, यानी कि इसके बारे में कोई भी नहीं बोल रहा, पूरा सिस्टम ही गलत चल रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। थोड़ा से डिस्कार्ड मत लिखिए, ये बोल सकते हैं कि अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं, चेंजेस किए जा सकते हैं। प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर ऑफ फंडिंग, ये ठीक है, प्रोएक्टिव करना चाहिए। इफेक्टिव रोल ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी भी कर सकती है। वे फॉरवर्ड क्या है, सिक्रेटिव इलेक्टोरल फंडिंग एडवर्सली अफेक्ट द इकोनॉमी एज ए होल, दिस इज नॉट allow not only the duty of legislature, judiciary, political party, rather than duty of citizen well to use their voting power and demand transparency from, बिल्कुल सही है ये, देखिए innovative इसको कहते हैं कि देखिए आपने ये ने कहा कि सिर्फ जो ये काम किसका है, गवर्नमेंट का है, legislature, judiciary, citizen को भी काम करना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा, political parties को, उनको जो फोर्स करना पड़ेगा कैसे भी कि आप जो है इलेक्टोरल फंडिंग को जो है ट्रांसपेरेंट बनाइए, ठीक है। तो बहुत अच्छा इन्होंने ये कंक्लूजन लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन द जुडिशियल रिव्यू, वही क्वेश्चन है, जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में आपका क्या ओपिनियन है। ये कहते हैं जुडिशियरी इज द थर्ड पिलर ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल ठीक है, प्लेज द रोल ऑफ कोग इन द जायंट व्हील ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी के अंदर एक व्हील के अंदर जो पिलर वो काम करते हैं ना कोग्स, उसकी तरह काम करता है। ये कहते हैं जुडिशियल रिव्यू रेफर टू द पावर ऑफ जुडिशियरी टू रिव्यू द एक्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव दैट इंक्लूड लॉज
एग्जीक्यूटिव नहीं, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर दोनों का करता है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है सिर्फ एग्जीक्यूटिव का नहीं, लेजिस्लेचर भी कोई ऐसा एक्ट बना देगी जो कि अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक राइट्स को वायलेट करता है, तो उसको नल एंड वॉइड कर सकते हैं। ये कहते हैं इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मेंशनड इम्प्लिसिटली, देखिए वही आर्टिकल 13, 32, 326। ये कहते हैं एग्जाम्पल ऑफ जुडिशियल रिव्यू, स्टक डाउन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, नेशनल जुडिशियल जो अपॉइंटमेंट कमीशन था उसको स्टक डाउन कर दिया, वायलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। ये कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म क्या, इट इज इट रेफर टू द जुडिशरी प्लेइंग मोर प्रोएक्टिव रोल यूजिंग जुडिशियल पावर इन लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, बिल्कुल सही है। इट इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर एंड इन्वेंटेड बाय द जुडिशरी, या इन्वेंशन ऑफ जुडिशरी। एग्जाम्पल देते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, ये कहते हैं एक्टिविज्म आर केशवानंद भारती केस 1973 में जो हुआ था, PIL जो है ये भी जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा पावर दे दिया है जुडिशरी को। ये कहते हैं मेनका गांधी का केस 1980 का था, उसमें जो है कोर्ट मूव टुवर्ड्स, देखिए हमारे यहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं चलता था, लेकिन उसकी तरफ भी जो है बढ़ गया है, ठीक है। तो ये भी एक जो है कहीं ना कहीं दिखाता है ये कहते हैं इट डिवाइसेज इंस्पिरेशन फ्रॉम यूएस सुप्रीम कोर्ट सिमिलर पावर, जैसे यूएस में है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है प्रोसेस फॉलोड बाय लॉ, लेकिन वहाँ है ड्यू प्रोसेस बाय लॉ ऑफ लॉ, तो ये भी फॉलो करने लगा है जिससे पावर और एक्सटेंड हो जाती है। देखिए इसमें क्या है फर्क क्या है मैं थोड़ा बता देता हूँ, जैसे प्रोसेस फॉलोड बाय लॉ, जैसे लॉ में कुछ चीज़ें बनाई गई है तो अब सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि हाँ ये लॉ में है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग जजमेंट देगा, यानी कि अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाएगा। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या है कि ये लॉ जो बना है ये क्या वाकई ये ठीक है, लॉ भी ठीक है या नहीं, इसकी तह तक भी चला जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा बेनिफिट और बेसिक सा बताया मैंने आपको। बेनिफिट क्या है, फिल द ये कहते हैं कि पिटफॉल क्रिएटेड बाय लेजिस्लेशन, बिल्कुल ठीक है। सेंड डियर मैसेज दैट द जुडिशरी इज नॉट गोइंग टू मेक मेयर स्पेक्टेटर नहीं रहेगी, बेनिफिट ये है। एम्पावर द इंटरेस्ट लोगों के जो एम्पावर भी करेगी, स्ट्रेंथन द राइट ऑफ पीपल, बिल्कुल ठीक है। इशूज क्या है, मैनी टाइम जुडिशरी ओवर स्टेप्स फ्रॉम जुडिशियल एक्टिविज्म एंड एंटर इन जुडिशियल ओवर रीच। एग्जाम्पल ये कहते हैं कि काफ़ी बार ऐसा होता है जुडिशियल एक्टिविज्म से जुडिशियल ओवर रीच पर भी पहुँच जाती है, जो कि गलत है। जैसे कि नेशनल एंथम को जो है कंपल्सरी कर देना, ठीक है, मूवीज वगैरह में, तो ये कहीं ना कहीं जुडिशियल ओवर रीच हो गया, तो ये सब नहीं करना चाहिए। बात कहते हैं और एग्जाम्पल दिया, बैनिंग जो है फायर क्रैकर्स को बंद करना, ये काम किसका है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का। BCCI रिफॉर्म करना, ठीक है, लोधा कमेटी बना दी। अब देखिए रिफॉर्म के लिए आप ये काम भी जो है कहीं ना कहीं काम किसका है, ये लेजिस्लेचर का काम। तो आपने क्या किया, आप ओवर रीच करके अपनी पावर को, तो वही देखिए इन्होंने देखिए बैलेंस आंसर लिखा है, कंक्लूजन ये लिखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एनवेसाइज सेपरेशन ऑफ पावर विच इज पॉसिबल ओनली वेन ईच पिलर ऑफ एक्ट Each pillar act according to its duties or need of our judicial restraint rather than judicial activism. तो बिल्कुल सही, ये बिल्कुल करेक्ट है, इनका जो है कंक्लूजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन है गवर्नमेंट हैज हाइक द इथनॉल प्रोक्योरमेंट से रिगार्डिंग है कि जो है बढ़ा दिया है पेट्रोल ब्लेंडिंग के साथ, तो इससे कैसे शुगर केन ग्रोअर को फायदा होगा। ये कहते हैं इथनॉल इज ए टाइप ऑफ बायोफ्यूल दैट आर प्रोड्यूस्ड फॉर ऑर्गेनिक कंपोनेंट फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपोनेंट इथनॉल कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम टू जनरेशन सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल प्रोडक्ट। देखिए फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन का जो है इस तरह बायोफ्यूल बनाया जाता है, आप ये पढ़ लीजिए, काफ़ी बार प्रीलिमी में भी पूछा जा सकता है। देखिए थर्ड जनरेशन में तो क्या होता है, इवन इस तरह के जो है एल्गी वगैरह को यूज करके बायोफ्यूल बनाया जाता है, ठीक है। तो ये बायोफ्यूल बनाने का तरीके हैं। ये कहते हैं ये सेकेंड जनरेशन का ही है, जो शुगर केन को यूज़ करना, मोलेस को यूज़ करना, ये जो है सेकेंड जनरेशन में आता है। थर्ड जनरेशन मैंने बताया एल्गी वगैरह को, एल्गी वगैरह से फ्यूल निकालना किसी तरह भी, तो उसको बोलते हैं एलगी की प्रोडक्शन करना, उससे बायोफ्यूल बनाना, उसको बोलते हैं थर्ड जनरेशन। ये कहते हैं बेनिफिट क्या है इसे, क्योंकि इट कैन हेल्प द मिल ओनर्स को जो है उनका रिवेन्यू बढ़ेगा, इट कैन हेल्प द फार्मर्स को जो है फायदा होगा, रिड्यूस रिलायंस ऑन इंपोर्टेड ऑयल पे हमें जो है डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, हैंस इथनॉल प्रोक्योरमेंट बेनिफिट फार्मर मिल ओनर एंड ओवरऑल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, ये कहते हैं नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2016 एम्स एट ब्लेंडिंग 20%, हाँ देखिए ये कह रहे 2030 में जो है 20% तक ब्लेंडिंग की बात कही गई है नेशनल जो हमारी बायोफ्यूल पॉलिसी उसके अंदर। इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ इथेनॉल प्रोक्योरमेंट, ये भी ठीक है। अलाउिंग कन्वर्जन टू शुगर केन जूस डायरेक्टली टू द अलोंग विद द बी मोलेस, ठीक है, ये बिल्कुल साइंटिफिक टर्म है।
बीटा या बी जो बोलते हैं, बीटा बोलते हैं शायद। उसके बाद SATAT प्रोग्राम जो है, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स बायोफ्यूल। उसके बाद एंकरेजिंग सेटिंग अप ऑफ न्यू इथेनॉल जनरेशन प्लांट्स बाय प्रोवाइडिंग वायबिलिटी गैप फंडिंग। ठीक है, ये भी एक जो है फंडिंग का एक मेथड होता है। ये कहता है एडिशनल बेनिफिट ऑफ यूजिंग इथेनॉल, ये क्या होगा, क्लीन फ्यूल आएगा, लेस पोल्यूटिंग रहेगा, एनवायरमेंट फ्रेंडली रहेगा, रिन्यूएबल फ्यूल भी रहेगा। चैलेंजेस क्या है, ये कहते हैं साइकिल ऑफ बूम एंड बस्ट इन एग्रीकल्चर लीड्स टू द शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। वह कह रहे हैं आने वाले टाइम में रॉ मटेरियल की कमी भी हो सकती है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट भी रिक्वायर्ड होती है उसको कन्वर्ट करने के लिए। इथेनॉल अलोंग विद द अदर बायोफ्यूल लाइक बायोडीजल, बायो सीएनजी एंड सस्टेनेबल अल्टरनेट टू पोल्यूटिंग हाइड्रोकार्बन, देयर बाय आफ्टर सोल्यूशन टू क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट नीड्स टू प्ले मोर प्रोएक्टिव रोल इन प्रोवाइडिंग। तो ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बैलेंस ही आंसर लिखा है इन्होंने, सारी चीज़ें उन्होंने डील कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट हैज हाइक द इथेनॉल, देखिए वही क्वेश्चन है इथेनॉल वाला फिर से। इनका आंसर पढ़ के मुझे बहुत मजा आता है, बहुत यानी कि लगता है एक ही मिनट में आंसर पढ़ाया गया, एक मिनट भी ज़्यादा लगती है मुझे तो, इतना बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही क्या बोलूँ मैं आपको, बिल्कुल इतना स्पेसियस और इतना नीट एंड क्लीन इनका आंसर होता है, तो अच्छा लगता है पढ़ के भी। इन द वेक ऑफ इनबैलेंस बिटवीन द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द शुगर, डिसीजन ऑफ हाइकिंग इथेनॉल प्रोक्योरमेंट वॉज टेकन, द डाउनफॉल ऑफ प्राइस ऑफ शुगर इज बिकॉज ऑफ सप्लाई। ये कहते हैं रीजन क्या दिए, आपने इंट्रोडक्शन थोड़ा सा वो दिया है, डिमांड के अकॉर्डिंग जो है इतना नहीं दिया, थोड़ा इसको और इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। रीजन ऑफ क्यों किया है, फार्मर्स को जो है एनकरेज किया जा सके, रिस्टोर द सप्लाई एंड डिमांड इक्वेशन। ये देखिए बिल्कुल इनके कीवर्ड्स इतने बढ़िया होते हैं कि इनको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, पांच छह वर्ड में ही पूरे उसको चीज़ों को समझा देते हैं। ओवर, यह कहते हैं ओवर कैपेसिटी ऑफ एजेंसी लीडिंग टू द डिलेड पेमेंट। ठीक है, ये डिले पेमेंट का बहुत इशू रहता है। रिडक्शन डिपेंडेंस ओवर क्या, या क्या लिखा है, क्रूड ऑयल। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब क्या, वाई इथेनॉल क्यों करें, इको फ्रेंडली है। ठीक है, कुड बी कंज्यूम डोमेस्टिकली, यहीं पर कर सकते हैं, सेल्फ सफिशियंट हो सकता है। इथेनॉल ब्लेंडिंग वॉज अदर, ये कहते हैं अच्छा एयर टर्बाइन फ्यूल में भी यूज़ किया गया, अभी आपको एक एक उड़ान हुई थी, ठीक है, यानी कि एक फ्लाइट उड़ी थी और उसने जो है ब्लेंडिंग के साथ जो है यूज़ किया था, अगर आपको याद हो ये 6-7 महीने पहले की बात है, तो ये भी बात अच्छी है। इमरजेंस ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज, ठीक है, अब इन्वेस्टर्स लाइक परफ्यूम और सिरप, इस तरह के नए जो है इन्वेस्टर्स भी आएंगे इससे। चैलेंजेस क्या है, मल्टीपल जो है इसमें एजेंसी चाहिए काम करने के लिए, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर भी आएगा, पेट्रोलियम भी आ गया, स्प्रेड एंड सप्लाई, ये क्या लिखते हैं, सेपरेट सप्लाई चेन रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक सप्लाई चेन भी अलग चाहिए, उसके अलावा लिखते हैं डज नॉट एंश्योर पेमेंट टू परफॉर्मर, यानी कि ऐसा नहीं है कि जरूरी है कि फर्म को पैसा टाइमली आ जाएगा, ये भी बात ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या है, सेपरेट प्रोक्योरमेंट एजेंसी होनी चाहिए, उसके बाद ट्रेनिंग होनी चाहिए, ट्रेनिंग, अब देखिए ज़्यादा आप थोड़ा सा अंडरलाइन ज़्यादा कर रहे हैं, इतना मत कीजिए इथेनॉल को भी कर दिया, अंडरलाइन ज़्यादा कर रहे हैं, बिल्कुल काम की चीज़ों को ही अंडरलाइन कीजिए, आपका तो इतना शॉर्ट आंसर है, अंडरलाइन नहीं भी करेंगे तो भी दिखाई देगा। ट्रेनिंग टू कंट्रोल द फर्म बाय कुछ मेथड, ये लिख रहे हैं इनफ्लेबल लिक्विड सप्लाई ऑफ क्रेडिट, ठीक है, ये भी चीज़ की जा सकती है। सेटिंग ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये कहते हैं सिंस एनर्जी सिक्योरिटी एम्पावरिंग आवर फार्मर आर द टॉप एजेंडा ऑफ आवर गवर्नमेंट, इथेनॉल शुड बी ए वे अहेड, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ शुगर केन कुड बी हेल्प इन बोथ बोथ, यहाँ क्या लिख रहे हैं, कुड हेल्प, पता नहीं यहाँ पे क्या लिखा, मस्ट बोथ क्या लिखा है, बोथ द ऑब्जेक्टिव शायद ऐसा लिख रहे हैं कि सभी को इससे जो है बेनिफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पावर ऑफ गवर्नर नीड्स टू बी एन इंट्रोस्पेक्शन टू मीट द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशियर कॉन्स्टिट्यूशन इलस्ट्रेट हाउ दिस रोल बी। इस क्वेश्चन को मैं कल पढ़ूंगा, बहुत ही मुझे ब्लर नजर आ रहा है, बहुत टाइम मुझे इसमें लग जाएगा और वीडियो लेट हो जाएगी। ठीक है, तो इस आंसर को कल कवर करेंगे और ये आंसर पढ़ लेते हैं, जल्दी हो जाएगा, वो थोड़ा ब्लर है तो मुझे टाइम लगेगा। ये है डिस्कस द बिहेवियर फाइनेंशियल, अच्छा जुडिशियल रिव्यू जुडिशियल एक्टिविज्म की, देखिए आंसर तो इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, बस राइटिंग बहुत छोटी है। ये लिखते हैं इनजस्टिस एनीवेयर इज ए थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर, इनके कोट्स बहुत ज़बरदस्त होते हैं। दूसरी बात, ये कोट्स आप भी याद कर लीजिए, आप भी कहीं ना कहीं इनको यूज़ कीजिए, आपको ये नहीं कि आप क्या लिखते हो दूसरे क्या लिख रहे हैं उसका भी बेनिफिट आपको उठाना है। ये कहते हैं द अबव लाइन इज एन इज द प्रिंसिपल ऑन विच जुडिशियल रिव्यू वर्क्स अपॉन, विच इज गोल फॉर डेमोक्रेसी, बट दिस इज
फाइन देर इज ए फाइन लाइन बिटवीन जुडिशियल एक्टिविज्म एंड ओवर रीच, ये कहते हैं विच कुड वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। बिल्कुल एक्यूरेट लिखा है। जुडिशियल रिव्यू क्या है वो पूरा इन्होंने बता दिया, ठीक है। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है वो बता दिया। ये अब मेन है ये पढ़ने का। दो, देर आर नो रिस्ट्रिक्शन पुट्स अगेंस्ट एनी जुडिशियल टेकन अप सिविल मैटर वॉलेंट्री, बट समटाइम इट कुड लीड टू फेस ऑफ विद लेजिस्लेचर विच कुड रिप्रेजेंट विच आर रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। लेजिस्लेशन हैव बीन गिवन द पावर टू फॉर्मुलेट लॉज एंड रन द कंट्री इन अकॉर्डेंस विद द लॉज एंड विल ऑफ पीपल। ये कहते हैं टू कंक्लूड जुडिशियल रिव्यू मस्ट बी एक्सरसाइज बाय जुडिशरी बट जुडिशियल एक्टिविज्म मस्ट बी एक्सरसाइज ओकेजनल, यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म कभी कभी होना चाहिए, टू बी यूज केस बाय केस, जैसे मैंने बताया। एल्स इट वुड बी हाईजेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फ्रॉम लेजिस्लेचर विच वुड गो अगेंस्ट द लेटर एंड स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए आपने एक ही कमी की है, आपने एग्जाम्पल नहीं लिखे, ठीक है। अगर एग्जाम्पल मेंशन कर देते दो तीन जुडिशियल ओवररीच के, जुडिशियल एक्टिविज्म के, तो वो अच्छा रहता, आपका आंसर पूरा हो जाता, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।